जब भी भारत के साथ किसी कंट्री का थोड़ा बहुत टेंशन होती है तो वो बीच में फिर कश्मीर को क्यों ले आते हैं, पाकिस्तान को एक तरह का फेवर दिखाया जाता है कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो पाकिस्तान को फेवर दिया जाए। आपके ऊपर अमेरिका अमेरिका से प्रेशर है ना, है दुनिया भर से प्रेशर है ना आरजू जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जब जब प्रेशर आपको लेना ही था दुनिया से, जब प्रेशर तो होगा, अगर आप अमेरिकन कैंप में होते तो चाइना से प्रेशर होता। अगर इंडिया न्यूट्रल है और फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर है तो क्या प्रेशर तो सबके ऊपर होना है। तो क्यों ना अपनी इज्जत बरकरार करके सीधा चला जाए विदाउट गोइंग इनटू अ कैंप। कल हम अमेरिका को बोलते हैं कि ठीक है सब बढ़िया है, अमेरिका फिर 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और सब कुछ करेगा, यहाँ पे सब कुछ करेगा, लेकिन हमने मना कर दिया, हमने बोला नहीं चाहिए, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट ठीक है, जो हमें ठीक लगता है वो करेंगे, तो बोल दिया, सबको बोल रखा। और आज से नहीं, ये इंडिया डे वन से कर रहा है, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो अभी भी दूसरे पैसे से चल रहा है ना, किसी ना किसी से लोन लेके, इसलिए ये हो सकता है कि ना कर पा रहे हो। ये गलत है। ये पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी से पूछिए कहता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ये सब ये गलत बातें हैं। जब इंडिया की आरजू जी इकोनॉमी बड़ी नहीं थी, जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब भी इंडिया ऐसे ही था। अगर आप सोच रहे हैं ये मोदी जी ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं, ठीक है। जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। बट अगर मैं आपसे और बातें बोलूं, अमेरिका के पास हर समय रशिया से ज्यादा पैसा था, राइट? हमारे लिए आसान नहीं था कि हम जाके वेपन्स अमेरिका से बोलें कि हमें दे दीजिए, हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, आपको चाइना से प्रॉब्लम है। 60s 70s में भी तो चाइना के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका की, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। हो सकता है हमने नहीं करा। तो बात इकोनॉमी की नहीं है आरजू जी। और ये जो इकोनॉमी के बारे में इतने पाकिस्तानी बोलते हैं कि इकोनॉमी अच्छी, ये किसने अच्छी करी? अमेरिका ने थोड़ा ना अच्छी करी, तो हमने खुद अच्छी करी है। तो अगर हमारी मेहनत हमारे पसीने के पैसे हैं तो फिर हम इस पर गुरूर क्यों ना करें? तो हमारे कमाए हुए हैं, हमें थोड़ा ना किसी ने खैरात में दिए पैसे कि जी आप ये पैसे ले लीजिए। हमने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। पर ऐसी भी रातें थी जब यहाँ पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, तो वो हम भूले थोड़े ना। और रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे जहां तक हमें लगेगा कि रशिया ने जायज करा है। जब रशिया से बात करनी होती है तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अकेले कमरे पे नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे शिंजियांग के बारे में, हमने चाइना से अकेले कमरे में छुप के नहीं, सबके सामने एसईओ में बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, आप लड़ाई वड़ाई ना करें, गलत है, वो भी बोला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये वेस्ट कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम रशिया को कंडेम करेंगे, तो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, है ना। आज जो कल का दोस्त है, आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम पुराने दोस्तों को भूल जाए, ऐसा कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है, दोस्त फिर दोस्त होता है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ अगर हम दोबारा डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो उन्होंने यूएन के लिए भी कहा है कि उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उसके बगैर उन्होंने इनरेलीवेंट हो जाता है, तो आपके ख्याल से कहां तक ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप भारत के बिना कोई भी वर्ल्ड बॉडी आज की तारीख में इनकम्प्लीट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, नंबर 5 पे है, लोग कह रहे हैं अगले 4 या 5 साल में नंबर 3 हो जाएगी। अगले 2 साल में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन होगा, चाइना को पार कर देगा पॉपुलेशन के साथ उसमें, ठीक है। आप भारत के बिना तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं? आप क्या ये बनाते हैं G7 G8 G9 G10, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जी ये कोई भी G20 तो कर है ही भारत, और G8 में भी G7 करके भारत को लेने की बात चल रही है। लेकिन आप कुछ भी ले लें वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमने अपनी पोजीशन ऐसे कर ली है कि कोई भी वर्ल्ड की बॉडी है, इट लुक्स इनकम्प्लीट, जो ग्लोबल बॉडीज हैं, दे लुक इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। ये क्यों? यूनाइटेड नेशंस देखिए, यूनाइटेड नेशंस कब बना था? ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 1945 के बाद बना था। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है 1945 में गठित हो गई है, ठीक है, और उसके 5 मेंबर्स हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। अब ये जो चीजें हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये जो 5 हैं ये 1945 की सच्चाई दर्शाते हैं आरजू जी, ये आज की सच्चाई थोड़ा ना दर्शाते हैं। यू हैव टू चेंज ना, यू हैव टू चेंज। इंडिया इंडिया इज
और सुपर पावर इन वेटिंग, कोई मना नहीं कर सकता इसमें। आप इकोनॉमी के लिहाज से देख लीजिए, डिप्लोमेसी के हिसाब से देख लीजिए, मिलिट्री के लिहाज से देख लीजिए, हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में उनके लिहाज से देख लीजिए। तो ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक वहां पे इंडिया नहीं आएगी विद फुल वीटो पावर्स, जब तक इंडिया नहीं आएगी तब तक वो ठीक है। सब लोग चाहते हैं चाइना रोक के रखा है क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है रोकने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन सर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ख्याल से कि जैसे जैसे भारत आगे जा रहा है थोड़ा सा अग्रेसिव किस्म के रिस्पांस दिया जा रहा है बाकी कंट्रीज को, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मतलब यूरोप को भी साथ साथ अमेरिका को भी चाइना को भी, आपके ख्याल से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा संभल के या ऐसे चलना चाहिए आपके ख्याल से, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए भारत को? अर्जुन जी बहुत बैलेंस करके और बहुत संभल के भारत चल चुका है आज तक, आजकल बैलेंस करके ही चल रहा था। भारत में बहुत इम्पेशेंस है, अब भारत में वो पेशेंस नहीं है कि हर चीज संभल के, अमेरिका कुछ बोलेगा अमेरिका को जवाब मिलेगा। हमने कोई, आप एक मुझे बात बता दीजिए जहां पे भारत ने, मतलब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर ने कोई झगड़े की बात करी हो किसी से, कोई लड़ाई शुरू करने की बात, झगड़े की बात करने के लिए वो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपका लहजा होता है ना, लहजा होता है। हाँ ठीक है, देखिए लहजा हमारा, ये लहजा कमाना पड़ता है अर्जुन जी, जो एटीट्यूड है ना, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये जो एटीट्यूड है भारत का, ये जो लहजा है भारत का, ये बहुत अंगारों पे नंगे पैर चल के कमाया है भारत ने। अभी लहजा छोड़ेगा नहीं भारत, ये आया कहां से? अच्छा चलिए मैं आपको, आप कहती हैं लहजे की बात कर रही हैं, आया कहां से लहजा? ये आया तब क्योंकि भारत ने बड़ी परेशानियां देखी, भारत ने परेशानियां देखी, भारत ने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। और आज की तारीख में जब भारत जीतने लगा है और जीत की राह पे अग्रसर है, जीत की राह पे आगे चल रहा है, ठीक है, तब लोग कह रहे हैं साहब आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? क्यों ऊंची आवाज में? सिर्फ अमेरिका बात कर सकता है, सिर्फ जो गोरे मुल्क है वो बात कर सकते हैं। आप एक बात बताइए आरजू जी, कभी पाकिस्तान से कभी किसी ने पूछा चाइना को कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? चाइना से तो नहीं पूछते, क्योंकि इंडिया से लोगों को ऐसी तवक्को थी कि भारत जब भी बात करेगा हाथ जोड़ के सर झुका के, ठीक है। बट यही चीज है कि अब भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये अपने बड़ी, देखिए मैं बता रहा हूं बहुत कुछ गंवा के आरजू जी, बहुत कुछ खो के ये कॉन्फिडेंस पाया है इंडिया ने, ये किसी अमेरिका ने हमें मुफ्त में नहीं दिया, खैरात में नहीं दिया, बहुत हमने ये कॉन्फिडेंस, वो मैं दिन जानता हूं जब इंडिया ने, मैंने देखा था, मैं बहुत छोटा था जब कितनी प्रॉब्लम्स थी यहां पे। आई विल टेल यू अर्जुन जी, माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, और जैसे आईपीएस हमारे जो पुलिस के एक कार्डर होता है, स्टेट कार्डर मतलब स्टेट में जाते हैं लोग, लेकिन इट्स एन ऑल इंडिया थिंग, लाइक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। डॉक्टर जयशंकर इज फ्रॉम द आईएफएस। तो आई रिमेंबर आई जॉइंड द एकेडमी इन 1993। उस समय मेरे फादर एक फोर्स है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, मेरे फादर उसके डायरेक्टर जनरल थे। माय फादर वाज इक्विवेलेंट टू अ 3-स्टार जनरल, equivalent to, right. Because general is a word used for the army, it is not used for police officers, but aapko samjhane ke liye, kyunki Pakistan mein bhi ye baat aaram se log samajh jaye, he was equivalent to, my father could not afford to give me a motorcycle, unke paas nahi the paise, he was an honest police officer, unke paas nahi the paise, maine loan leke apni pehli motorcycle khareedi jab main mau gaya bio course karne ke liye 1994 mein, maine paise liye, maine apni bike khareedi, कावासा की बजाज खरीदी थी मैंने सबसे पहले, एक अपनी बाइक मैंने ली थी उस समय, वो मेरी पहली बाइक थी, तो मैंने ली, माय फादर कुड नॉट गिव इट। तो हमने वो दिन भी देखे हैं जहां पे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल थे एक फोर्स के, एक नेशनल फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, ही कुड नॉट गिव हिज सन अ मोटरसाइकिल। थी हमारे हमारे तो उस समय थे हाल ऐसे थे हमारे देश के, आज की तारीख में आप बताइए, आज की तारीख में तो ये सब जो चेंज हुआ है, and I'm very proud of my father, बिल्कुल, because नहीं
ईमानदार थे, नहीं दे सकते नहीं दे सकते, इट्स ऑल राइट यार, क्या होना भी चाहिए, पैदल हाँ होना भी, हम पैदल चले, हम मैं स्कूल साइकिल जाता था चला के, मेरे पास एक बीएसए एसएलआर साइकिल होती थी, उस जमाने में आई थी 900 रुपए या 1000 रुपए की, वो साइकिल चला के मैं स्कूल जाता था, करीब 5-7 किलोमीटर जाता था, 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के आता था मैं धूप में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी, इशू ये है कि बहुत ऐसे लोग थे इंडिया में जिन्होंने सड़कों पे जिंदगी बिताई है, और बहुत आसान होता है इंडिया का अमेरिका को बोलने का कि इतना बड़ा मुल्क है आ जाओ अंदर, वी नेवर टुक द इजी पाथ, हमने आसान रास्ता कभी नहीं चुना अपने लिए, इस मुल्क ने कभी आसान रास्ता अपने लिए चुना कि चलो ये दे दो हमें फिर ये कर लो, नहीं। तो ये जो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है अर्जुन जी। दोस्तों पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों के शायद समझ नहीं है कि कहां पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। अभी कल ही CICA समिट 2022 हुआ जो कि कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित किया गया। ये जो आयोजन था वो बेसिकली एशिया में बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों पर चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत सरकार पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन भारत उन पर ध्यान नहीं दे रहा, भारत बात ही नहीं करना चाहता। इस पर पलटवार भी भारत सरकार की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की आज की टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में घोर हस्तक्षेप है। दोस्तों पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसलों से इतना परेशान है लेकिन फिर भी उसको कश्मीर की चिंता सताती रहती है। अगर आप इतना ही परेशान हैं तो जो POK में कश्मीरी रह रहे हैं उन पर अत्याचार क्यों करते हैं, वहाँ पर जो विकास कार्य है क्यों रुका हुआ है, वहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं क्यों मुहैया नहीं कराई जाती। सबसे पहले तो आप अपने गिरेबान में झांकिए, आपके हिस्से में जो कश्मीर इस वक्त है कम से कम उस पर विकास कार्य करके दिखाइए। आप ये देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बदले हैं, जिस तरह से वहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, बाहर की विदेशी कंपनियाँ पहली बार जम्मू कश्मीर में निवेश कर रही हैं, कितना फर्क पड़ गया है एक लीडरशिप का। पाकिस्तान में तो लीडरशिप ही नहीं है, वहां का तो पता ही नहीं कि सत्ता किसके हाथ में है, कौन चला रहा है, प्रधानमंत्री आज कौन है और कल कौन होगा, बस इनको कश्मीर चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।